नमस्कार एंड वेलकम टू जेनेक्स आईएएस। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम इतिहास यानी कि हिस्ट्री। एक इतिहास की बात आए तो इतिहास खुद में ही बहुत सारे रहस्यों को छुपा के बैठा है ना। जैसे कि इतिहास का दूसरा नाम ही क्या है, अतीत है। हम बोलते हैं हमने हिस्ट्री पढ़ा है, हिस्ट्री हमने इतिहास हमने जाना है। बट क्या लगता है आपको, इतिहास में हम क्या पढ़ रहे हैं जो हमें रेडीमेड मिल रहा है? उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो इतिहास अभी खुद अपने अंदर दफन करके बैठा है। जैसे कि आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ज़्यादा दूर तो नहीं, चलो महाभारत तक ही पहुंच जाओ, है ना। एक साइड पे बोल रहे हो कि ज़्यादा दूर नहीं, दूसरा बोल रहे हो महाभारत तक ही। तो इसकी आप बात करो अगर, तो महाभारत यानी कि अराउंड कितने साल की बात है, 5500 साल, है ना। तो इतना दूर भी नहीं गए हैं इतिहास में, वो तो बहुत नज़दीक का समय है। स्टिल इसमें अभी तक इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स है कि हमें नहीं पता। महाभारत से थोड़ा आगे जाओ तो, महाभारत से पहले जाओ तो रामायण, पता है सारी चीज़ें। हमें खुद बहुत सारे क्वेश्चन है ना कि ये क्या था, सही में सच है या नहीं। कोई बोल रहे कि यहाँ पे गुजरात में, तो वो भी नहीं पता है। आज हम इतिहास की वो पेज पलटने जा रहे हैं जो है अराउंड कितने साल पुराने, 8000 साल, 800 नहीं, कितने हैं 8000 साल। 800 तो कुछ नहीं, 800 को तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं। ये वो चीज़ है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, 8000 साल पुरानी, जहाँ से हम बोल सकते हैं सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। हमारी संस्कृति बोलते हैं ना, हमारा जो कल्चर है वो स्टार्ट हुआ था, वो सिविलाइजेशन जो क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ से एक मानवीय संस्कृति की शुरुआत हुई थी। तो देखते हैं क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले तो नाम क्यों दिया है इंडस वैली, सिंपल है, इंडस रिवर पे वो डेवलप हुआ था इसीलिए। चलिए, तो इंडस वैली को अगर आप पढ़ रहे हो बहुत ही ज़्यादा डीप में, इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, गुजरात में आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो उन जगहों को डिस्कस करेंगे जहाँ से इसके क्या मिले, हमें प्रूफ मिले गुजरात की कुछ कुछ साइट्स हैं। जैसे कि आप यहाँ पे गुजरात के मैप में देख रहे हो, एक तो है रोजड़ी, रोजड़ी जहाँ से हमें कुछ चीज़ें मिली थी एक्सकेवेशन के बाद। उसके बाद क्या है, लोथल है, करते हैं जो जो मिल रहे हैं वो एक दूसरे, क्या है सुरकोटडा है, उसके बाद क्या है रंगपुर है ना, उसके बाद लोथल है, फिर क्या मिल रहा है धोलावीरा, यस यहाँ पे कच्छ में धोलावीरा। तो ये मेन साइड से जो हमें मिली थी, एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्या मिला था। सबसे पहले तो इसको अगर आप पढ़ रहे हो तो आप हड़प्पन, दूसरा नाम क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, दूसरा नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, तो वो आप अलग अलग पढ़ोगे। पंजाब के कुछ एरियाज हैं जहाँ पे चीज़ें मिली थी। आज हम जस्ट डिस्कस करेंगे गुजरात को फोकस करके कि गुजरात में कौन कौन सी साइट्स मिली थी, क्या क्या चीज़ें मिली थी और क्या क्या उसके प्रूफ थे। इंडस वैली को अभी हमने चलो मान लो पढ़ भी लिया है, इतने सालों से तो हम पढ़ रहे हैं, बहुत टाइम पहले से जब से ये चीज़ें मिली, स्टिल अभी तो बहुत सारी, अभी तो इसके बारे में हमें 10% भी नहीं पता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी क्वेश्चन मार्क है, जैसे कि इसकी स्क्रिप्ट से, उसकी लैंग्वेजेस हमें नहीं पता है कि ये क्या है। कुछ चीज़ें हमें मिली है ऐसी जिसको देख के, उसका शेप देख के, उसको हाथ में लेके, टूटी फूटी चीज़ें, अभी भी हमें पता नहीं है कि इसका यूज़ क्या हो सकता है, वहाँ पे उस समय पे लोग इसका क्या यूज़ कर रहे होंगे। तो कुछ चीज़ें अभी भी वो क्वेश्चन मार्क छोड़ के ही गया है, जिसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च भी अभी चल रहे हैं। ठीक है, चलिए जो चीज़ें मिली है उसको समझते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड इट इज़ फेमस फॉर इट्स सिस्टमेटिक प्लानिंग बेस्ड ऑन ग्रिड सिस्टम। अब अगर देखो तो इंडस वैली से हमें जो जो चीज़ें मिल रही है वो चीज़ें उन सारी चीज़ों का यूज़ करके अभी हम खुद का डेवलपमेंट अभी जो बना रहे हैं, जैसे कि उस समय पर जो सारे टाउन्स बनाए जाते थे उसका एग्जाम्पल लेके अभी हम सिटीज़ बना रहे, स्मार्ट सिटीज़ बना रहे। आपको क्या लग रहा है, हमारे जो इंजीनियर्स है खुद आइडियाज़ लेके फॉर्म कर रहे हैं सारी चीज़ें? हम अभी जो जिस कंसेप्ट हमने अपने घर बनाने की शुरुआत की, यही सारे आइडियाज़ से हमने की, इनफैक्ट अभी से बेटर उस समय पे थे। ठीक है, चलिए। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज ब्रोंज एज, ये क्या थी, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, स्प्रेडिंग फ्रॉम टूडेज नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान टू पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जिसमें से हम क्या करेंगे, सिर्फ डिस्कस करेंगे वेस्ट इंडिया यानी कि गुजरात का।
दिस सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ट इन रिवर बेसिन ऑफ इंडस एंड द दूसरी कौन सी थी, गागर हाकरा रिवर, जिसमें से आपको जो क्या है नाम दिया है, मेन जो रिवर क्या है, इंडस। There are two prominent sites which are found in Gujarat are Lothal, Ahmedabad and dusra kya hai Dholavira, Kutch. Lothal discovered in 1954 mein mila tha Lothal, excavated from 13th February 1955 and 19th May 1960 mein Lothal ke baad kya mila tha, us time pe ASI यानी कि हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसी के अंडर में सारी चीज़ें हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर वहाँ पे जाके कुछ रिसर्च भी करना चाहते हो, बहुत सारे रिसर्च अभी भी चल रहे, वाई बिकॉज हमें अभी तो 10% भी नहीं मिला है इसका, है ना, लोग जा रहे हैं वहाँ पे, चीज़ें अभी वहाँ पे आपको चीज़ें मिल नहीं रही, बट म्यूजियम में कुछ चीज़ें अवेलेबल है, कुछ स्क्रिप्ट है जिसका हमें कोई नहीं पता कि उसकी लिपि क्या क्या है, कौन सी लैंग्वेज में क्या लिखा है, बिकॉज स्क्रिप्ट, अगर आपको भाषा पता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें तब की पता चलेगी, हमें क्यों ज़्यादातर नहीं पता है, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट हम नहीं पढ़ पा रहे, वो जो सिंबल्स है वो हमें नहीं पता है, इसीलिए। फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे अर्थ पे है, एलियंस आ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें उसको अर्थ के, हम यहाँ पे नहीं है, ह्यूमन नहीं है अर्थ के ऊपर कोई भी, एलियंस बाहर से आ रहे हैं, हमारी चीज़ें जो है वो अगर देख रहे हैं तो उसको पता कैसे चलेगा कि अर्थ की हिस्ट्री क्या है, हमारे सारे जो लिखे होंगे, सारे ही ग्रंथ लिखे होंगे अलग अलग उसमें से ही, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्लेट्स मिली थी जिसके ऊपर कुछ स्क्रिप्ट से कोई सिंबल थे, कोई पोर्ट्स मिले थे जिसके ऊपर कुछ लिखा था, वो चीज़ें अभी भी क्या है, इन रिसर्च, जो अभी तक हमें पता नहीं चली है। चलो शुरुआत करते हैं लोथल से, लोथल का लोकेशन क्या था, अहमदाबाद के पास, ठीक है। Lothal situated in Gujarat was excavated by S. R. Rao in year 1757. This town of Indus Valley civilization is located on the bank of river Bhogao. कौन सी Bhogao? देखो Bhogao साबरमती दोनों ही है, Lothal की अगर आप बात कर रहे हो तो ये Lothal है, तो यहाँ पे दोनों ही river है उसका, ठीक है, Bhogao, but वो river bank उसका कौन सी है, Lothal Bhogao। आप उस टाइम पे डिस्कशन में हमने ये भी डिस्कस किया था ज्योग्राफी में कि जो Bhogao है वो Lothal के सौराष्ट्र के रीजन से 7 आ रही है और एक Bhogao आ रही है ना, वहाँ पे टोटल 8 रिवर है वो मिल रही है, उसमें से वो जगह कौन सी थी जहाँ पे 8 अलग अलग रिवर उसके आस पे, हाँ, और उसमें सप्त, हाँ वो उठा का भी है कि वहाँ उठा के जहाँ पे उठा का जो मेला फेमस वो उसी जगह है जहाँ पे टोटल 7-7 संगम जिसको बोलते हैं, उसमें से एक क्या है Bhogao। द सिटी लोकेटेड बिसाइड द ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात विच इज क्लोज टू गल्फ ऑफ खंबात। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रेशियस स्टोन वेर इजिली अवेलेबल। Lothal इज नेम्ड ऑन एंशियंट माउंट सिचुएटेड इन द रेवेन्यू ज्यूरिडिक्शन ऑफ सरजवाला विलेज इन धोलका तालुका ऑफ अहमदाबाद। अब Lothal का नाम जो है वो Lothal क्यों दिया है, Lothal लाश का ढग है ना, वहाँ पे जो मिले थे, हाँ मोहनजोदड़ो और Lothal का जो नाम है इसका भी इसी के ऊपर से जो मिले थे ना, Lothal का भी वही है कि लाश का ढग बोल सकते हो आप उसको गुजराती में, लाश नो ढगलो इसके नाम से, तो हिस्ट्री ये भी बोल रही है कि Lothal का जो नाम है वो इसके ऊपर से पड़ा है Lothal, ठीक है, मोहनजोदड़ो में से भी मिला था, जैसे कि वो पेड़ मिली थी स्केलेटन की, और दूसरा एक जो मिला था वो क्या मिला था, एक साइट में से पूरे ही लाश का ढग मिला था। आप देख रहे हो Lothal की उस समय पे जो रिवर Lothal का एक क्या बोलते हैं, एक्चुअल तो नहीं बट एक बनाया हुआ पिक्चर जिसमें आप देख रहे हो कि इसके आसपास एक रिवर है, कौन सी है Bhogao, और दूसरी जो है वो है साबरमती, ठीक है। This is the only Indus site where artificial bricks dockyard was found and the dockyard must have served as main seaport for the people of Indus. It was surrounded by massive brick wall probably for the protection of flood and the world's first tidal port was also excavated from Lothal. Lothal ki baat karo to us samay pe ye sari cheezon mein se jo ek mili thi wo hame kya mili thi, bricks mili thi alag alag aur wahan pe
उस समय पे जो ब्रिक्स मिली थी सभी की जो साइज है वो आइडियल साइज थी। जो अभी ब्रिक्स का क्या है, एक ही साइज की सारी ही बनेगी, उस टाइम पे आइडियल साइज मिली थी 8,000 years ago। तो सोचो उस समय पे भी वो लोग कुछ ऐसी चीजों का यूज कर रहे होंगे जो मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं। और यहाँ पे कुछ चीजें मिली है जैसे कि इसका जो है वो मिलीमीटर में, एक चीज पे मिलीमीटर में भी उसका लिखा हुआ जो मेजरमेंट है वो मिलीमीटर में लिखा था। दैट मीन्स उतना उतने माइक्रो लेवल पे जाके ये लोग काम करते थे। तो उस टाइम पे भी कोई टूल्स होंगे जो मेजरमेंट के लिए यूज होते थे, ठीक है, बिकॉज बात मिलीमीटर पे जा रही है। उस टाइम पे जब हम अपने ही कुछ पिछले साल 100-200 साल की बात करो तो लोग है वो मेजरमेंट कैसे करते थे, हाथ से भी करते थे, हथेली से करते थे, फिंगर इंच से करते थे। उस टाइम पे बात मिलीमीटर पे जा रही है, दैट मीन्स उस टाइम पे भी कोई कोई टूल होगा जो मेजरमेंट के लिए यूज हो रहा होगा। अब साल देखो इतने साल पुराने, स्टिल उस टाइम पे इतनी एक्यूरेसी के साथ काम होता था। धोलावीरा, चलो धोलावीरा विच वॉज एक्सकेवेटेड बाय आर एस बिशप ऑफ ASI एंड हिज टीम इन 1990, दिस सिटी वॉज लोकेटेड वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सोइल इन रन ऑफ कच्छ खदीर बेट। धोलावीरा इज लार्जेस्ट ऑफ ऑल द हरप्पन सेटलमेंट्स एंड वन ऑफ टू लार्जेस्ट इंडस सेटलमेंट्स इन इंडिया, अदर बींग क्या है, राखीगढ़ी इन हरियाणा। हरियाणा के भी है, पंजाब, फिर अफगानिस्तान में भी मिला था अलग अलग। गुजरात के मेन कौन कौन से, लोथल और धोलावीरा। फिर जो टाउन है आइडियल टाउन की अगर आप बात कर रहे हो तो वो कहाँ पे था, एक आइडियल टाउन जो मिला था, लोथल, नहीं लोथल धोलावीरा दोनों की बात करो तो जो आइडियल टाउन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी, क्यों उसको आइडियल बोला था। हाँ उसको जो टाउन था उसको उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था है ना। उस टाइम पे बोलते हैं कि लोथल जब एक समय पे बना था, प्रेडिक्शन है कि लोथल एक समय पे बना होगा, उसके बाद पे कोई भी क्या बोलते हैं, मतलब कोई भी रीजन की वजह से वो क्या हो गया, खत्म हो गया, उसका नाश हो गया। उसके बाद दूसरी बार जब उसको बनाया गया उस समय पे ये चीज ध्यान में रख के बनाए कि उसको दो पार्ट में बनाया गया। ऊपर का जो दुर्ग बोलते वो एक ऊपर का, और दूसरा क्या है जिसको नीचे का, लोअर टाउन और अपर टाउन। जो अपर टाउन है वो किसके लिए था, अभी पिक्चर में भी हम देखेंगे, और दूसरा जो है वो नॉर्मल जो पब्लिक है उसके लिए। अब देखो धोलावीरा का आप पिक्चर देख रहे हो तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हो कि उस समय पे जो टाउन बना था उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया था। अपर मोस्ट पार्ट है वो क्या है, ऊपर का अपर जो अपर टाउन है, फिर बीच में है वो क्या है, मिडल टाउन है, और उसके बाद है लोअर टाउन है। यहाँ पे आप दूसरी चीजें भी देख रहे हैं, देखो देखो इरिगेशन एंड हॉर्टिकल्चर के लिए उस समय पे ये सारी चीजें ध्यान में रख के नगर को बनाया गया था। जैसे कि और क्या देख रहे, सेरिमोनियल ग्राउंड अलग, ये जिस तरह से जो जो चीजें मिली है उसके अकॉर्डिंग थोड़े बहुत प्रेडिक्शन करके ये चीजें बनाई है, ठीक है, कि उस समय पे ये आइडियाज शायद लगाए होंगे। हाँ वो लोग डैम उस टाइम पे इतने नहीं बनाते थे, बट लकड़ी के जो बनाते थे ना, जैसे कि लकड़ी के ब्रिज बनाते उस टाइम पे, मिट्टी और पत्थर डाल के वो लोग बनाते थे। तो डैम वगैरह है वो उस समय पे भी वो बनाते थे, उसके आसपास छोटी मोटी रिवर जा रही है, आसपास का एग्रीकल्चरल कोई एरिया है, फार्म्स है, उसमें पानी पहुंचाने के लिए। तो पाइप्स वगैरह वगैरह नहीं थे, बट वो हाथ से बनाते थे ना। पहले पाइप्स जब नहीं हुआ करती थी, कैनाल्स नहीं थी, उस टाइम पे क्या था, वो जो फार्मर्स है वो हाथ से सारी चीजें बना। अभी इरिगेशन के लिए नॉर्मली फार्म में क्या यूज करते हैं, वो भी तो यही बनाते हैं ना, पाइपलाइन है डायरेक्ट, वो प्लांट तक थोड़ी जाती है। तो हाँ वो क्या बोलते हैं, हाथ से बनाते, हाथ से दैट मीन्स अभी तो ट्रैक्टर्स वगैरह यूज करते, बट फिर भी वो हर एक आपका हर एक प्लांट तक वो वही पहुंच रही है कि यहाँ से पानी जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो लाइन है और यहाँ पे दोनों ही लाइन को मिल रहा है। तो हर एक प्लांट के पास तो अभी तक हम पाइप मतलब पाइप्स नहीं जा रही, तो उस टाइम पे कैनाल्स नहीं थी, बट वो खुद से बनाए गए थे ये सारे डैम्स वगैरह है। चलो धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री प्रिंसिपल डिविजन्स, टू ऑफ विच वेर स्ट्रॉन्गली प्रोटेक्टेड बाय रेक्टेंगुलर फोर्टिफिकेशन, बट द अदर हरप्पन टाउन वेर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, साइटेडल एंड दूसरा क्या है, लोअर टाउन। मिडल टाउन कुड बी सीन ओनली एट द साइट ऑफ धोलावीरा। Stone had been
यूज फॉर कंस्ट्रक्शन एंड एविडेंस ऑफ साइन बोर्ड कैरिंग 10 अल्फाबेट वॉज सीन. साइन बोर्ड जो मिला था ना, ये इसका आपको याद रखना है, जो साइन बोर्ड मिला था वो दोड़ा विरा में से मिला था. उसके बाद दिस साइट फ्रॉम वेयर अ मैगलिथ बोरियल हैज बीन एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज लाइक इरिगेशन डेम्स एंड क्या है एम्बेक मीटर्स हैज बीन सीन. दोड़ावीरा गेव द एविडेंस ऑफ वेयर हाउसिंग सेटलमेंट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन. उस टाइम पे वेयर हाउसेज बना करते थे. अभी जो है जैसे कि जो कोई इंडस्ट्रीज है तो इंडस्ट्री का अपना वेयर हाउस होगा, क्या करेंगे उसमें, उसका काम क्या है, स्टोरेज के लिए. तो वो वहां पे भी मिले थे, डॉकयार्ड्स मिले थे जो जो वहां पे भी थे स्टोरेज के लिए अलग से. ज्योग्राफी में हमने डिस्कस किया था ना कि कोई भी पोर्ट बन रहा है उसके आसपास का एरिया है वो पोर्ट की अथॉरिटी में आता है, खरीद के रखते हुए, बिकॉज जो लोडिंग हो रही है, जो लगेज आ रहा है सारा, उनको स्टोर करना है उसके लिए. वेल प्रिपेयर्ड गोल्ड रिंग्स हैव बीन सीन इन धोलावीरा मंडी एंड टाइमाबाद. धोलावीरा बींग लोकेटेड ऑन अ फॉल्ट लाइन माइट हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाई अर्थक्वेक. अब इंडस वैली की बात करो ना, तो वहाँ पे हमें कोई ऐसे टूल्स नहीं मिले, कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिली जिससे हमें ये पता लगे कि यहाँ पे इसका जो विनाश हुआ था वो कोई युद्ध की वजह से हुआ था. तो ये प्रेडिक्शंस है कि कोई नेचुरल जैसे कि तो अर्थक्वेक आ गया है या फिर उसके लिए है ना, तो वहाँ पे कोई युद्ध हुआ होगा उसके लिए कोई भी उसके हमें पुरावा जो कोई भी प्रूफ है वो नहीं मिल रहे. वही वही देखते हैं. आई थिंक क्या बोलते हैं उसमें मिस्टेक है कोई, मैं देख लेती हूँ, कंफर्म करती हूँ. सूरकोटड़ा द हरप्पन केम टू सूरकोटड़ा अराउंड 2300 एंड बिल्ट अ फोर्टिफाइड साइटेडल एंड रेसिडेंशियल एनेक्स विच वॉज मेड ऑफ मर्ड ब्रिक्स मर्ड लम्स एंड रबल कंटेनिंग हाउसेज विथ बाथरूम्स एंड ड्रेन्स. जैसे कि सूरकोटड़ा की भी बात हो रही है ना, अलग से गटर थी जो घर के पीछे की साइड से जा रही थी. अभी आप गटर्स की बात करो, अभी जो जो टाउन्स फॉर्म हुए हमारे घर के आगे से गटर जा रही है, वो चीज़ें उस टाइम पे ध्यान में रखी थी कि जो गटर्स है वो बैक साइड से जा रही है. हर एक घर का डायरेक्ट कनेक्शन गटर के साथ होगा. अभी जो हो रहा है मानसून में गटर की जो हालत होती है वो उस समय पर नहीं हुआ करती थी. तो साइटेड लोअर टाउन बोथ विच वेयर फोर्टिफाइड एंड रिविल्ड फ्रॉम द एविडेंस फ्रॉम एक्सकेवेशन. दिस इज द ओनली एक्सकेवेटेड साइट विच वॉज फोर्टिफाइड थ्रू स्टोन वॉल एंड ऑल्सो द ओनली इंडस सिटी फ्रॉम वेयर एक्चुअल रिमेन्स ऑफ हॉर्स हैव बीन फाउंड. हॉर्स के जो रिमेन्स मिले थे हमें वो सूरकोटड़ा से मिले थे. एविडेंस ऑफ पोर्ट बुरियल हैज़ बीन सीन इन सूरकोटड़ा. म्यूजियम में आप देखो ना, कुछ मिट्टी के रेड कलर के पोर्ट्स मिलेंगे, उस पर कुछ कुछ स्क्रिप्ट्स लिखी होगी, ये सारी चीज़ें मिली थी. अब क्या है रोजडी. रोजडी इज आर्कियोलॉजिकल साइट बिलोंगिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन. इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थन बैंक ऑफ भादर रिवर इन गोंडल तालुका ऑफ राजकोट डिस्ट्रिक्ट. भादर रिवर बैंक पे राजकोट डिस्ट्रिक्ट में रोजडी इन सेंट्रल सौराष्ट्र पेनिनसुला ऑफ गुजरात स्टेट इन इंडिया. इफ इट वॉज कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइड फ्रॉम 2500 BC टू 1700. अब देखो सौराष्ट्र के रीजन में से आपको एक ही मिला था, वो क्या था, जो है कौन सी थी, नाम क्या है, सौराष्ट्र के रीजन में से आपको जो साइट्स मिली थी उसमें से कच्छ में से एक मिली थी और धोलावीरा. सौराष्ट्र में से एक ही मिली थी, वो कौन सी थी, रोजड़ी. मच ऑफ द पॉटरी फाउंड इन रोजड़ी इज हार्ड रेड ऑफ बफ वर मेड फ्रॉम वेल प्रिपेयर्ड क्ले. द मोस्ट फ्रिक्वेंटली फाउंड वेसल इज द हेमिस्फेरिकल रेड वार बाउल फ्रॉम ऑफन. वहाँ से जो मिले थे ना चीज़ें उसमें से मोस्ट ऑफ क्या मिल रहा था, बाउल मिल रहे थे बड़ी साइज के, पोटरी की आइटम्स, पोट्स है, बाउल्स है रेड कलर की विथ स्टड हैंडल. दिस अकाउंट फॉर ओवर हाफ ऑफ ऑल श्रेड्स रिकवर्ड फ्रॉम रोजडी. द पोटरी ऑफन हैज ग्रेफिटी विथ साइन फ्रॉम द इंडस स्क्रिप्ट सच एज जार साइन. साइंस अभी कौन कौन सी है ये हमें पता नहीं चली, बट ये सिंबल से हम प्रडिक्शन लगा सकते हैं कि इसका मतलब ये हो सकता है, ये हुआ है. ठीक है, अगर स्क्रिप्ट हम पहचान में आ रही है कौन कौन से सिंबल, तो और बहुत कुछ मिल सकता है.
अब उस समय पे एग्रीकल्चर देखते हैं कि उस समय पे एग्रीकल्चर क्या था. फूड ग्रेन प्रोडक्शन वॉज एडिक्वेट इन हरप्पन कम्युनिटीज विच वेयर प्राइमरली लोकेटेड क्लोज टू द रिवर प्लेन्स. इट वॉज पॉसिबल टू ग्रो वीट, बार्ली, राई, पीज, सिसम, लेंटिल, चिकपी एंड मस्टर्ड. अभी जो है मोस्ट ऑफ सारे. एडिशनली गुजराती प्लेसेस हैव मिलेट्स, वाइल राइस वॉज ओनली अकेशनली यूज. कॉटन वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाई इंडस सिविलाइजेशन. बुल्स हैव बीन डेपिक्टेड ऑन सील्स एंड द क्ले आर्ट एंड एक्सट्रापोलेशन बाई आर्कियोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट ऑक्सन वेर ऑल्सो यूटिलाइज फॉर प्लाइंग. उस टाइम पे ऑक्सन प्लाउइंग के लिए यूज हुआ करते थे. द मेजोरिटी ऑफ हरप्पन साइट्स आर फाउंड इन सेमी एरिड रीजन्स वेर इरीगेशन वॉज प्रोबेबली नेसेसरी फॉर फार्मिंग. कोई भी सिविलाइजेशन डेवलप हो रही है रिवर के पास ही होगी, वो तो कॉमन है. तो जो भी आपको फार्म्स मिल रहे हैं वो रिवर के पास ही हो गए. अब यहाँ पे जो चीज़ बुल की आ रही है ना, तो आपको उसमें एक वृषभ की बात, वृषभ का मतलब क्या है, बुल है ना, तो आंख लो. तो वो जो बुल है उसमें बोलते हैं एक शिंग वाला जो बुल है उसकी पूजा की जाती थी. दक्षिणा विमुख यानी कि लेफ्ट साइड पे देखे हुए एक पिक्चर मिला था जिसमें जो बुल मिला था उसने लेफ्ट साइड पे फेस और एक शिंग था, उसकी पूजा वो लोग करते होंगे. जो हरप्पन लोग थे वो उनकी पूजा करते होंगे. प्लस जो संस्कृति है वो मातृ प्रधान थी यानी कि देवी की पूजा करते होंगे. ये प्रेडिक्शंस मिले हैं. उसको बुल, उसको एक शिंगी बड़ बुल बोलते हैं. बट तो वो एक्चुअल में एनिमल उस टाइम पे क्या था जिसके पास एक श्रृंग और इस टाइप का, ये हमें पता नहीं. बट बोलते हैं कि वृषभ बोलते हैं उसको, दक्षिणाभिमुख वृषभ, दैट मीन्स बुल, टाइप ऑफ बुल. ठीक है, अब देखते हैं टेक्नोलॉजी उस समय पे भी. द इंडस वैली इनहेबिटेंट्स मेड न्यूमेरियस इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंक्लूडिंग वेरी एक्यूरेट सिस्टम एंड टूल्स फॉर मेजरिंग लेंथ एंड मास. लेंथ एंड मास, मास मेजर करने के लिए भी वहां से चीजें मिली थी. कौन सी मिली थी, क्यूब, स्टोन्स भी थे और बांट जिसको बोलते, हाँ वो मिलते थे. तो लेंथ और मास मेजर करने के जो टूल्स है वो भी मिले थे उस समय पे. वन ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन टू क्रिएट अ सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट दैट फॉलोड अ स्केल वॉज हरप्पा. तो मतलब उस समय पे ये चीज़ें, ये जो टूल्स है वो वहाँ से मिले थे. ऑन एन आइवरी स्केल दैट वॉज डिस्कवर्ड एट लोथल, अ सिग्निफिकेंट इंडस वैली सिटी इन कंटेम्पररी इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात, द स्मॉलेस्ट डिविजन मेजरिंग रफली 1.6 millimeter वॉज रिटर्न. 1.6 millimeter में लिखा था उस समय पे. दैट मीन्स वहाँ तक मेजरमेंट इतना क्लियर, इतना कॉन्क्रीट मेजरमेंट हो पाए, वैसे टूल्स उस समय पे अवेलेबल हो गए. इट इज द टाइनीस्ट डिवीजन ऑफ ब्रॉन्ज एज स्केल दैट हैज एवर बीन आइडेंटिफाइड. तो ये टेक्नोलॉजी पे, मतलब ये टूल्स हुआ करते हो गए, ये हो गए है ना टेक्नोलॉजी में. अब क्या है, एक मिनट, हरप्पन ऑल्सो एक्सक्लूडेड इलाबोरेटेड हैंडीक्राफ्ट्स एंड एम्प्लॉइंग आइटम्स मेड फॉर द सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स, फिर कार्नेलियन एंड क्रिएटेड द न्यू मेथड्स फॉर वर्किंग विथ मेटलर्जी, द साइंस फॉर वर्किंग विथ कॉपर. मेटलर्जी दैट मीन्स मेटल के साथ जो साइंस है, जो मेटल के साथ डील करता है, तो वो भी सारी चीज़ें मिली थी. आर्ट, ब्रॉन्ज बनता है, मतलब उस जो मिक्स मेटल्स है सारी वो उस समय पे भी यूज करके चीजें बना. जैसे कि गोल्ड है तो प्योर गोल्ड है, वो आप यूज नहीं कर पा, हम यूज नहीं कर सकते, मतलब वो क्या होगा, नहीं टिक पाए, सस्टेनेबल नहीं बनता. तो उस समय पे भी जो बनते होंगे सारी ये चीजें, उस समय पे जो ऑर्नामेंट्स मिले थे वो क्या थे, सिर्फ मेटल के नहीं थे, और कौन कौन से थे, वुडन के भी मिले थे है ना, जो वुडन के स्टोन के भी मिले थे अलग अलग. अब है आर्ट, मैनी फिंगराइंस मेड ऑफ गोल्ड टेराकोटा एंड स्टोन डेपिक्टेड प्रीस्ट किंग विथ अ बियर्ड एंड पैटर्न्ड रोब. अनदर ब्रॉन्ज फिंगराइंस इस डांसिंग गर्ल मिली थी. डांसिंग गर्ल मिली है इसके लिए, ये प्रेडिक्शन हुआ था कि उस समय पे भी कोरियोग्राफी होती होगी डांसिंग के लिए, मतलब अलग से वो लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे. स्टैंड्स जस्ट 11 centimeter टोल एंड डेपिक्ट द फीमेल फिगर इन स्टैंड्स. That might indicate that existence of choreographed dance style that was practiced by people in the civilization.
There were also terracotta works of cow, bear, monkeys and dog. तो इससे क्या होगा, ये सारे एनिमल्स उस समय पे भी हो गए. इन एडिशन टू figurines, इट इज थॉट दैट द inhabitants ऑफ इंडस रिवर वैली also produced necklace, bangles and other decorations. तो ये सारी ही चीजें मिली थी. अब क्या है, स्क्रिप्ट. इंडस सिंबल हैव बीन डिस्कवर्ड ऑन सील्स, टाइनी टेबलेट्स, फोटो रिपोर्ट्स एंड मोर देन डजन ऑफ आइटम्स नंबरिंग अप टू 600 डिफरेंट सिंबल्स. अलग अलग इतने सिंबल्स मिले. द मेजोरिटी ऑफ टिपिकली शॉर्ट इंडस इंस्क्रिप्शंस हैव नो मोर देन 4 or 5 कैरेक्टर्स. आपको जस्ट 4 to 5 कैरेक्टर का सिंबल मिलेगा, छोटा सा सिंबल. तो उससे भी उसकी स्क्रिप्ट एक्चुअल में क्या है ये पता नहीं लगी है. द लॉन्गेस्ट साइन ऑन सिंगल सरफेस इज 17 साइन लॉन्ग एंड लेस देन वन इंच. और उसमें कितने सिंबल, 17. Although it is believed that the inscriptions were largely written from right to left, उस समय पे right to left side पे लिखे हुए थे, it is not apparent whether this script represent a full language. Linguistic and archaeologists have not been able to decode the symbols because there is no Rosetta Stone to compare it to other writing symbols. जब script मिलती है ना कोई भी, उसको compare करके, जैसे कि आपको और सारी मिली है, जैसे इसके बाद जो जो भी चीज़ें मिली है तो उसके नियर बाय कोई स्क्रिप्ट के साथ आई होगी. जैसे कि संस्कृत है, तो संस्कृत एक लैंग्वेज होती है, दूसरी होती है लिपि. तो दोनों का कनेक्शन होता है, एक मेन लैंग्वेज होती है जिसमें से लिपि बनती है उसकी, तो उसका कनेक्शन किसके साथ होगा, मेन लैंग्वेज के साथ होगा. फॉर एग्जाम्पल हिंदी है, तो हिंदी में भी और कई सारी है, तो जिसका कनेक्शन मेन हिंदी भाषा जो लैंग्वेज है उसके साथ होगा. तो इसको कंपेयर करने के लिए कोई भी नहीं मिल रही जिसके साथ कंपेयर करके आप प्रेडिक्ट कर पाओ कि ये सिंबल का मतलब ये है, ये लैंग्वेज ये कह रही है, स्क्रिप्ट का मतलब ये है. ठीक है. ट्रेड एंड इकोनॉमी. हरप्पन साइट वर्कशॉप्स यूटिलाइज्ड रॉ मटेरियल्स इंपोर्टेड फ्रॉम ईरान एंड अफगानिस्तान एज वेल एज लीड एंड कॉपर फ्रॉम द अदर रीजन्स ऑफ इंडिया जेड फ्रॉम चाइना एंड केदार वुड that had been carried down rivers from Himalayas and Kashmir. Trade was centered on acquiring this resource. Terracotta pots, gold, silver, metals, beads and flints for creating tools, seashells and pearls and colored. That means आपको जो चीजें उस time पे trades हुआ करते थे, कौन कौन सी चीजों के, ये जो चीजें खुद बनाते थे, जैसे कि आपको रोजड़ी में से जो चीज़ें मिली है, जो पोर्ट्स मिले हैं मिट्टी के अलग अलग, तो उस रीजन में वो बनते हैं. अफगानिस्तान पे कुछ बन रहा है तो वहाँ आपस में ट्रेड्स होते थे. तो ये बार्टर सिस्टम जो इंडस के बाद भी बहुत टाइम तक चली थी. डिक्लाइन. किस तरह से इंडस वैली, किस तरह से ये सिविलाइजेशन का अंत, नाश किस तरह से हुआ होगा. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि वो भी प्रेडिक्शन, वो भी हमें प्रूफ नहीं मिल रहा कि एक्चुअल में किस तरह से हुआ होगा. हमने प्रेडिक्शंस लगाए हैं कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर हुआ होगा. जैसे कि अकॉर्डिंग टू वन वर्जन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज इन्वेडेड द सब्जुगेटेड बाय द इंडो यूरोपियन ट्राइब नोन एज आर्यंस. कुछ बोल रहे हैं कि उनकी वजह से हुआ होगा. डिफरेंट पीसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव बीन डिस्कवर्ड इन लेटर सोसाइटीज सजेस्टिंग दैट सिविलाइजेशन डिड नॉट एब्रप्टली एंड ओविंग टू एंड इन्वेजन. तो कुछ चीज़ें आपको बोल रही है कि इसका जो है वो नेचुरल डिजास्टर से हुआ होगा, कुछ बोल रही है कि इसका क्या होगा होगा कोई. हाँ, जियोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक एलिमेंट्स में कंस्टिट्यूट द नेचुरल फैक्टर्स. इट इज़ थॉट दैट द इंडस वैली रीजन हैड अ नंबर ऑफ टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस दैट रिजल्टेड इन अर्थक्वेक्स एंड ऑल्टर्ड द पाथ्स ऑफ रिवर और कोस्ट देम टू ड्राई अप. Changes in rainfall patterns could be another natural cause. ये natural cause हो सकते हैं, ये तो normal हम कर सकते हैं, because हमने चीज़ें जो मिली है वो कहाँ से, अंदर से मिली है. तो एक reason हो सकता है कि या तो earthquake की वजह से हुआ होगा, या फिर बहुत समय तक क्या rainfall नहीं हुआ होगा, that means condition dry हुई और drought की condition उसकी वजह से हुआ होगा. कुछ बोल रहे हैं कि कुछ जैसे कि आर्यंस आए थे, उन्होंने attack किया और उसके बाद हुआ था. ठीक है. तो आज हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे शुरुआत हुई होगी, कैसे लोग होंगे, क्या उनके उनका जीवन किस तरह का होगा, एग्रीकल्चर देखे, टेक्नोलॉजीज देखी.
अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि इंडस के बाद गुजरात में कौन कौन सी शुरुआत कैसे हुई, आगे आगे कितने जो हम भी सारे ही एम्पायर्स पढ़ने वाले हैं, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? इंडस के बाद मौर्यन से शुरुआत करेंगे, वाघेला वंश तक जाएंगे और उसके बाद आगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे।